हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग बढ़िया मैं भी अच्छा हूं हाँ बेटा मैं विष्णु कुमार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे कायनामेटिक्स में और फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था हमने प्रीवियस क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है और कायनामेटिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता किया था ऐसे ही आज हम समझेंगे किसको स्पीड एंड वेलोसिटी को तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पहले पहले हम क्लियर करेंगे इसको स्पीड को तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है फटाफट अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते रहना ठीक है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड व्हाट इज स्पीड जैसा कि हमने एट नाइन्थ क्लास में पढ़ा बेटा स्पीड क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ठीक है यानी पर सेकेंड पर सेकेंड कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आई रिपीट बेटा पर सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट्स बी स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ठीक है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया स्पीड हो गया क्लियर तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा द डिस्टेंस ट्रेवल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट एट यूनिट टाइम एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड क्लियर अच्छा ठीक है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है स्पीड का स्पीड इज गोल्ड होता अच्छा, है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्लियर डिस्टेंस अपॉन टाइम अच्छा किससे डिनोट करते हैं इसको डिनोट किया जाता है बेटा वी से डिनोट किया जाता है यहां बोलते हैं डिनोटेड बाय वी ठीक है जगह बड़े एसेड नोट करते हैं स्पीड से कम, हम एसेड नोट ना करके इसको वी से नोट करें बिकॉज कई जगह डिस्टेंस को हम एसेड डिनोट किया जाता है ठीक है तो यहां मेरे पास होगा डिनोटेड बाय वी अच्छा नेक्स्ट अब बात करते हैं डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी बेटा हमारे पास भाई स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है डिस्टेंस लास्ट क्लास में क्लियर किया बेटा हमने डिस्टेंस वेरी गुड कौन सा है स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम ऑल्सो भी स्केलर क्वांटिटी ठीक है डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है तो यहां बात करेंगे स्पीड क्या है सर स्पीड भी क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है ठीक है देखिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम सब कुछ, स्केलर क्वांटिटी चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सर इसकी डायमेंशन की तो डायमेंशन देखिए स्पीड का डायमेंशन क्या होगा डिस्टेंस का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन ट मींस इसका डायमेंशन इक्वेशन होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि एल वन अपॉन टी वन दैट मीन्स इट कैन बी राइट एम जीरो इसका डायमेंशन इक्वेशन है क्लियर चलिए नाउ अब बात आती है इसकी यूनिट की देखिए जनरली जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि हम जो यूनिट मेजरमेंट हम जो बात कर रहे हैं यूनिट को कंसिडर करके चलेंगे वो हम यूज करेंगे एसाई और एम के एस को ठीक है ऐसा नहीं कि अदर यूनिट्स में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कर सकते हैं बट जनरली जो हम यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे एसाई और एम के एस तो यहां बात करेंगे इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो तो क्या होती है मीटर पर सेकेंड क्या होगा बेटा मीटर पर सेकेंड बट डिस्टेंस को मीटर में करेंगे टाइम को सेकेंड में क्या हो गया मीटर पर सेकेंड अच्छा ठीक है सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है इसके अलावा इसके अलावा अदरम हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसे कई जगह फॉर्मूला पर आवर किलोमीटर पर आवर क्लियर चलिए तो इसका मतलब कहीं भी अगर तो आपको इक्वेशन गिवन होती है या फॉर्मूला में अगर आपको स्पीड गिवन होती है, है, है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा तो किसमें मीटर और सेकेंड सेंटीमीटर में से, गिवन है देन यू हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लियर तो वहां क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे तो यहां देखिए किसके फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड दैट मीनस इफ यू कन्वर्ट यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड देन यू शुड बी मल्टीप्लाई विदाइव बाई एटीन टू गिवन वैल्यू दैट मींस किलोमीटर पर आवर में जो भी वैल्यू अगर आपको गिवन होगी कोई भी यूनिट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर सिक्सटी किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ गीवन है उसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कीजिए वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए देखिए वन किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है बेटा किलोमीटर दैट मींस थाउजेंड मीटर ये हुआ, वन किलोमीटर में कितने था मीटर होते में थाउजेंड मीटर होते हैं नाउ वन आवर वन आवर हाउ मेनी सेकेंड्स इन वन आवर आई रिपीट मैंने बोला हाउ मेनी सेकेंड्स इन वन आवर तो वन आवर इक्वल टू कितना है सिक्सटी मिनट्स ये होता है वन आवर में कितना होता है सिक्सटी मिनट होते हैं और अगेन वन मिनट कंटेन सिक्सटी सेकेंड्स तो सिक्सटी इन सिक्सटी सेकेंड्स जिएय थर्टी सिक्स दीन फाइव बाय एटीन मीटर पर सेकेंड ठीक है अदरवाइज मान लीजिए मीटर पर सेकेंड की वन है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे वन मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एटीन बाय फाइव मीटर पर आवर सॉरी किलोमीटर पर आवर क्लियर बस में आ गई यहां तक चलिए जिसे एग्जांपल हम बात करें द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आर गिवन कितना गिवन है फर्स्ट हमारे पास गीवन है 54 किलोमीटर पर आवर सेकेंड 90 किलोमीटर पर आवर नाउ कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड नाउ कन्वर्ट पर second. अब देखिए किलोमीटर पर आवर में गीवन है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे हम सर किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड करने फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर दो फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा फिफ्टी फोर इंटू फाइव बाईटीन एटीन थ्री जाोर फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ठीक है नाउ अगेन नाइनटी इंटू फाइव बाई एटीन फाइव टाइम्स फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड क्लियर चलिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे पास किसका स्पीड का स्पीड होती क्या है क्या बेटा द डिस्टेंस ट्रेल बाई ऑब्जेक्ट एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड स्पीड हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी है विच इज नोट करते हैं अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है इट ऑलवेज पॉजिटिव इट ऑलवेज बी पॉजिटिव ये कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा स्पीड ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव में है अगर यहाँ नेगेटिव की स्पीड नहीं है वेलोसिटी होगी और उसका अगर मैग्नीट्यूड हम कंसिडर करें तो वो स्पीड हो जाएगा क्लियर बस ना गई तो ये था हमारे पास स्पीड का बेसिक इंट्रोडक्शन अब बात करते हैं स्पीड भी दो टाइप की होती है बेटा हमारे पास ठीक है स्पीड क्या होती है दो टाइप की होती है एक तो होती है हमारे पास एवरेज सेकेंड होती है इंस्टेंट ठीक है देखते कैसे आ बेटा नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ के साथ ठीक है हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की स्पीड हमारे पास दो टाइप की होगी बेटा एक तो होती है हमारे पास एवरेज स्पीड और सेकेंड हमारे पास है इंस्टेंट या इंस्टेंट एनियस ठीक है थीके? कोई भी पर्टिकुलर है ये तो बेटा किसके लिए एक ये तो हमारे पास होती है किसके लिए टाइम इंटरवल के लिए फॉर ए टाइम इंटरवल ठीक है ऑन इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम एट एनी पर्टिकुलर टाइम ठीक है जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तब तो यूज करेंगे इसको इंस्टेंट को और एवरेज कब आएगा किसी इंटरवल के लिए देखिए कैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है ए टू बी मूव कर रहा है ठीक है ए टू बी मूव कर रहा है यहां दो इंटरवल ग्यूवन है हमारे पास यही कहते हैं इसकी तो पोजिशन इनिशियल कहां से था एक्स वन पर था फाइनली कहां पहुंच गया एक्स टू पर पहुंच गया फर्स्ट टाइम जब एक्स वन पता टाइम कितना था बेटा टी वन टाइम था सेकेंड जब एक्स टू बी पॉइंट पर पहुंचा है तो टाइम कितना हो गया बेटा टी टू क्लियर स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है कहां से बेटा कहा टू बी मूव कर रहा है नाउ डिस्टेंस कितना होगा इज वक्स वन द पॉजिशन ऑफ ए पॉजिशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए एंड वॉट इज एक्स टू दॉजिशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी नाउ डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट कितना होगा बी माइनस ए भाई यहां से यही तो गया है ठीक है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन कैन बी राइट बेटा right डेल्टा एक्स क्लियर भाई X1 से एक्स तो टू तक तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हमने ना टाइम कितना हो रहा है टाइम टेकन तो वहां मेरे पास कितना हो जाएगा टी टू माइनस टी वन दैट मीनस डेल्टा टी क्लियर अब देखिए यहां जो मेरे पास है टाइम जो गिवन है वो एक इंटरवल है टी टू से टी वन से लेकर के टी टू तक का टाइम इंटरवल ठीक है तो यहां मैं बात करूंगा एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा एवरेज वो होगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला ये कहता है डिस्टेंस बाय टाइम तो हम बात कर लें डिस्टेंस क्या गिवन है डिस्टेंस गिवन है डेल्टा एक्स टाइम है डेल्टा टी और कैन बी राइट एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन ये तो एक टाइम इंटरवल के लिए इसलिए मैं क्या यूज कर करें बेटा एवरेज यूज कर रहे हैं ठीक है एक पार्टी हम बात करें किसके लिए टाइम इंटरवल के लिए है तो क्या यूज करेंगे एवरेज करें इफ इंस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे सपोज दैट हम बात गारी। गारी। करें टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम है डेल्टा टी टेंस टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो बेटा फिर हम कह रहे हैं डेल्टा टी नॉट बी इक्वल टू जीरो मान लीजिए ठीक है, example, है, है तो डिफरेंस तो आ रहा है हमारे पास है पर वो डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल है टू सेकंड कंसीडर कर सकते हैं तो यहां बात करेंगे if delta T tends to zero, then हम बात करेंगे वी एवरेज जो होती है स्पीड वो कन्वर्ट हो जाएगी बेटा किसमें इंस्टेंट में एक जिसका मतलब डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल होगा तो वहां बात करेंगे वो पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे और उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड किसकी कौन हो जाएगी बेटा वो इंस्टेंट स्पीड की दैट मीन्स यहां बात करेंगे तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो होगा इंस्टेंट में डेल्टा टी टेंस टू जीरो यही बोला हमने

वेरिएबल के लिए यूज करेंगे इफ एक्स इज वेरियबल कंटिन्यूसली डिस्टेंस वेरी कर रहा हूं टाइम इंटरवल के साथ यहां कब है जब कॉमन चल रहा हो इसका एग्जाम्पल लेते हैं देखिए मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं ये जोबनेर है ठीक है और ये जयपुर मान लीजिए यहां से बात करते हैं जोबनेर टू जयपुर का डिस्टेंस हमारे पास है वो है थर्टी किलोमीटर कितना है थर्टी किलोमीटर है क्लियर चलिए अब मैं कहूं कि आपने यहां से बाइक स्टार्ट की और बाइक के थ्रू बात कर रहे हो जयपुर की ओर मूव कर रहे हो ठीक है अपने से जयपुर मूव कर रहे हो डिस्टेंस कितना है टोटल थर्टी किलोमीटर है और टाइमिंग की बात करें तो यहां आपने स्टार्ट किया कितना टेन ओ क्लॉक टेन ओ स्टार्ट किया और एग्जैक्ट टेन थर्टी पर अब कहां गए जयपुर आ गए ठीक है आई रिपीट कि हमने कहा आपने जॉब ने स्टार्ट किया कितने बजे बेटा एग्जैक्ट टेन ओ पर स्टार्ट हुए और टेन थर्टी पर हम बात करें आप जयपुर पहुंच गए नाउ कितना टाइम लगा बेटा आपको टाइम इंटरवल बोला ना हमने टी टू माइनस टी वन तो स्टार्टिंग टाइम कितना है टेन ए एम और टी टू कितना है टेन थर्टी दैट मीन्स थर्टी मिनट्स आपने ठीक है यहां इंटरवल कितना हुआ मिनट्स मिनट्स यूज किया आपने उस 30 के इंटरवल में आप कितना ट्रेवल कर गए बेटा किलोमीटर थर्टी मिनट के इंटरवल में थर्टी किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है दैट मीनस हम बात करेंगे स्पीड कितनी हुई बेटा आपकी यहां जो स्पीड होगी बेटा डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर में यूज कर रहा हूं तो यहां टाइमिंग क्या की है थर्टी मिनट्स दैट मीन हाफ आवर हाफ आवर होगा तो हाफ आवर का मतलब 1/2 दैट मींस कितना हुआ 60 किलोमीटर पर आवर अब देखिए यहां ये जो 60 किलोमीटर पर आवर जो आपके पास स्पीड आई है बेटा ये कौन सी स्पीड है ये जो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है वो आपकी एवरेज स्पीड है क्या है बेटा एवरेज स्पीड ठीक है दैट मींस इस स्पीड एवरेज स्पीड से अगर मान लीजिए एग्जैक्ट 10:00 पर आप बाइक स्टार्ट करते हो तो टेन थर्टी पर आप कंफर्म है थर्टी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे बट क्या टाइमिंग की बात करें यहां से या ट्रेवलिंग की ड्यूरेशन की बात करें तो इस ट्रेवलिंग के दौरान बात करें क्या आपका स्पीड एग्जैक्ट हमेशा सिक्सटी किलोमीटर था कई जगह आपकी जो बाइक की स्पीड है सिक्सटी से अब भी गई होगी ठीक है कई जगह आपको मान लीजिए क्राउड भी अगर कोई मान लीजिए स्टेशन आता है हमारे पास बस स्टैंड भी आते हैं तो वहां आपको क्या करना है रुकना पड़ा होगा ट्रैफिक के लिए कहीं रुकना भी पड़ा होता ठीक है कई जगह बिल्कुल खाली रोड है तो हमने स्पीड भाई सिक्सटी से वो भी की है भाई हमारे पास बाइक है फिर हम सिक्सटी पर स्पीड चलाएं नहीं होता ना हाँ तो हमने एट्टी भी चलाई है होता है होता बिल्कुल ठीक है तो यहां बात करें 80 किलोमीटर पर आवर भी चलाई है आपने कई जगह 20 भी चलानी पड़ी है आपको तो ये आपका जो 60 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है वो आपका एवरेज स्पीड है क्योंकि इंटरवल क्यों नहीं बैठो यहां देखो ठीक है और बाइक का जो स्पीडोमीटर है आपका बाइक का जो स्पीडोमीटर है ठीक है जो स्पीड के साथ चेंज होता है वो है आपका एग्जैक्ट इंस्टेंट स्पीड को शो करता है कौन सी स्पीड को बेटा इंस्टेंट स्पीड को वो पर्टिकुलर टाइम में बता रहा है देखिए जब आपकी स्पीड बहुत जा हाई स्पीड जारी होती है तो इंक्रीज होता है ठीक है जब आपकी स्पीड डिक्रीज होती है आप ब्रेक यूज करते हो तो डिक्रीज होता है हमारे पास है होता है वो एवरेज शो नहीं करता है वो आपकी कौन सी शो करता है बेटा इंस्टेंट शो करता है यहां जो इंटरवल में गिवन है वो कौन सी है एवरेज है तो जब भी कभी इंटरवल अगर आपके पास गिवन हो टाइम इंटरवल गिवन हो तो वहां हमें क्या कैलकुलेट करना होता है बेटा एवरेज स्पीड और जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन हो तो वहां हम क्या कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंट स्पीड क्लियर यहां तक बस में ही तो यहां बात करेंगे स्पीड दो टाइप से निकाल कैलकुलेट करेंगे बेटा हम एक तो एवरेज होगी और एक इंस्टेंट होगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कब होती है पर्टिकुलर टाइम पर होगी जबकि की बात करें एवरेज स्पीड कब होगी बट एक टाइम इंटरवल के लिए होगी ठीक है बाद में गई फटाफट स्क्रीन छोड़ लीजिए फिर आगे बात करते हैं ओके डन चलिए देखते हैं तो इसका मतलब जब भी हमें एवरेज कैलकुलेट करना होगा तुम तो क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और जब भी इंस्टेंट कैलकुलेट करना होगा हमें क्या करना होगा पोजीशन जो है डिस्टेंस जो है हमारे पास है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है क्लियर है डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चलिए यहां देखिए वो हमने कहा बेसिक मैथमेटिक्स जो है आपकी यहां हेल्प करेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में देखिए इसको एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं या क्लियर करेंगे हम बेटा एग्जाम्पल देखिए इफ द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वेरीज एज विथ टाइम एज एक्स इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव वेट इज इन सेकेंड टीज इन सेकेंड ठीक है तो एक्स हमारे मीटर में ग्यूवन है यहां थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव मीटर हमारे पास की वन है एंड टीज इन सेकेंड देन कैलकुलेट और फाइंड आउट फाइंड आउट कर लो जरा बेटर है देन फाइंड आउट स्पीड अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहां एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड और सेकेंड बोला है हमारे पास है बी बिटवीन और ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड टू देखिए दो टाइप के क्वेश्चन है यही आपके पास कि किसी भी है उसका पोजीशन जो है टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है कैसे वेरी कर रहा है कि है एंड वेर इज इन सेकेंड देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टीज टू टू सेकेंड एंड टीवल टू फाइव सेकेंड तो देखिए यहां क्या क्यों है

जब पर्टिकुलर टाइम गिवन है तो वहां हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा सॉरी इंस्टेंट वैल्यू ठीक है क्या कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंट वैल्यू और जब कोई टाइम इंटरवल गिवन है तो वहां क्या कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे क्लियर चलिए देखिए भैया तो हमारे पास x गिवन है कितना है थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव ऐसा कुछ है हमारे पास नाउ हमें क्या निकालना है इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है या सॉरी स्पीड निकालनी है तो इंस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला क्या बोला था बने डी एस बाई डी टी और डीएक्स बाई डी टी यहां एक्स क्यों डी एक्स बाय डी टी डिफ्रेंशिएट कीजिए बेटा इसको तो डी बाय डी टी ऑफ थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव कितना होगा डिफ्रेंशिएशन फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव का कितना होगा वेरी गुड कितना आ रहा है थ्री टू जिक्स टी प्लस टू ये हमारे पास स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड क्लियर चलिए अब देखिए हमारे पास कितने टाइम पर टी इजगोल टू टू सेकेंड पर तो t टी इजोल टू टू सेकेंड की बात करें कितना होगा बेटा हमारे पास t का रिप्लेस कर दो बेटा टू से सिक्स टू जा टू फोर्टीन मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड नंबर पर क्या गिवन है वी इज किया टू फाइव सेकेंड कितना होगा बेटा सिक्स फाइव जो थर्टी सिक्स फाइव जा अरे भाई सिक्स इंटू फाइव प्लस टू थर्टी टू मीटर पर सेकेंड कले तक चलिए ये तो था हमारे पास इंस्टेंट स्पीड ना अगर अब मैं बात करूं यहां से कि नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवाल थ्री सेकेंड टू फाइव सेकेंड तो इस टाइम इंटरवल में हमें जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन ये यूज करेंगे हम अच्छा ठीक है टोटल डिस्टेंस का मतलब यहां में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कैसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या हम बात करेंगे कहीं रिटर्न तो नहीं हो रहा बीच में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जी स्ट्रेट लाइन में अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस पर वो बेंड होता है या जिस पॉइंट पर रेस्ट में आता है उस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी स्पीड कितना होता है जीरो होता है जिस पॉइंट से मत करें कान रखना बेटा जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट क्या करेगा हमारे पास है ड्यूरिंग द मोशन वहां से बैंड करता है या रेस्ट में आता है तो उस पॉइंट पर उसका स्पीड और वेलोसिटी कितना होता है जीरो होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा अभी कि भाई यहां में क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है नहीं कर रहा है ये कैसे कंफर्म करना है ठीक है अभी देखिए यहां से तो पहले हम पता कर लेको ऐसा तो ऐड कर सकता तो हूँ बेटा मैं एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन बोल सू बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है चलिए तो देखिए एक्स टू एंड एक्स वन क्या है वेर एक्स वन एक्स टू एट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम इंटरवल टी वन एंड टी टू रेस्पेक्टिवली तो यहां बात करेंगे टी वन का पोजिशन क्या होगी एक्स वन दैट मीन्स टाइम कितना पुट करना है मुझे टी वन टी वन कितना है थ्री सेकेंड थ्री सेकेंड उसकी पोजिशन बताइए तो यहां से कितना होगा थ्री इन थ्री का स्क्वायर ठीक टीकावली थ्री पुट कर दीजिए plus 2 into 3 plus 5 that means 9 27 27 plus 6 plus 5 11 plus 27 38 meter now x2 what is x2 to so put in the value of t is 5 second 3 into 5 ka square plus 2 into 5 प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री जा भाई फाइव का स्क्वायर कितना होगा ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव प्लस टेन प्लस फाइव नाइन्टी मीटर कितना रहे नाइनटी मीटर ना एवरेज वेलोसिटी कितनी स्पीड कितना होगा बेटा हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन नाइन्टी माइनस थर्टी एट भाई स्टार्टिंग प्जिशन यहां थी एंडिंग प्जिशन यहां है तो इस इंटरवल की बात करें तो टी टू कितना है फाइव माइनस थ्री कितना होगा बेटा ये हो गया फिफ्टी टू फिफ्टी टू बाय टू दैट मीन आंसर इज ट्वेंटी सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि उस इंटरवल में आपका जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड या इंस्टेंट स्पीड जो है एवरेज स्पीड के इक्वल हो इट मे बी ग्रेटर देन लेस देन और मे बी इक्वल ठीक है कोई भी टाइम इंटरवल अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा थ्री सेकेंड टू फाइव सेकेंड की बात करें तो यहां इसके इंटरवल में कोई भी एक टाइम आ रहा हो फोर सेकंड आ रहा हो या फोर पॉइंट फाइव रहा हो उस पर्टिकुलर टाइम पर जरूरी नहीं है कि आपका इंस्टेंट स्पीड एवरेज स्पीड के इक्वल हो ठीक है इंस्टेंट स्पीड एवरेज स्पीड के इक्वल तभी होगा जब ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो ठीक है जब ऑब्जेक्ट क्या होगा कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो उस इंटरवल में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड क्या होती है इक्वल होती है ठीक है में चलिए। तो ये एक तो क्वेश्चन जैसा कि हमने बोला कि भाई हमें कंफर्म करना होगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या नहीं जा रहा है यह कैसे क्लियर करेंगे वो देखिए स्क्रीन ले लीजिए फटाफट पड़ बेटा इसका ठीक है चलिए यहां मुझे कुछ करना है चेंज किस में करना केवल पोजिशन में बाकी क्वेश्चन एच डीज है यह हमारे पास पोजिशन मान लीजिए x इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी टू टी स्क्वायर माइनस एटी प्लस फाइव अगेन ये क्वेश्चन हमारे पता आ गया ठीक है टू टी स्क्वायर माइनस एट टी प्लस फाइव कोई क्वेश्चन गिवन है ठीक चलिए अब आपसे पूछा गया है टी इज इन सेकेंड देन Find out the speed at t is equal to 2 second, at t t second, to five second, and between the during interval t is equal to three second to five second. Same question सेकंड टू repeat हो रहा है। But यहाँ पास है position देखिए position का जो given है ठीक है चलिए वापस स्टार्ट करते हैं तो अगेन हम बात करें यहाँ मुझे क्या calculate करना भाई Instant क्या calculate करना है Instant speed। और instant speed में, में क्या करना पड़ेगा बेटा Differentiation तो यहां से पहले हम क्या करेंगे पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए बिकॉज स्पीड जो होगा हमारे पास है वी इज टू इंस्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूं यहां डीएक्स बाय डी क्या करेंगे डीएक्स बाय डी टी चलिए देखिए डीएक्स कितना हो जाएगा हमारे पास डी बाय डी टी ऑफ टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस फाइव ठीक है कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास फोर टी माइनस एट फोर भाई फाइव रेड पावर जो है मल्टीप्लाई में जाएगी एट का कितना हो गया एट और फाइव कितना हो जाएगा जीरो मीटर पर सेकेंड नाउ अब देखिए यहां से इसको वन सेकेंड टू थ्री सेकेंड कर लीजिए अब देखिए यहां से का वैल्यू आ रहा है बेटा फोर टी माइनस एट मीटर पर सेकंड आ रहा है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एटीज टू टू सेकेंड एन टी टू फाइव सेकंड वैल्यू फुट कीजिए बेटा इज इजल टू टू सेकंड वी का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर इन टू टू 8 एट दैट 0 meter per second 0 meter per second सेकेंड टी फोर टू 8 एट 8, 8 कितना हो गया 0. तो टी इज टू टू सेकंड पर ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है बेटा जीरो मीटर पर सेकेंड है ठीक है चलिए ऑब्जेक्ट इन देश ना एज इकेंड फोर इंटू फाइव माइनस एट फाइव फोर से ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस एट कितना हुआ ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड कितना हुआ ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड अब देखिए यहां से ये तो आ गया मेरे पास इंस्टेंट अब हमें कैलकुलेट करना है क्या एवरेज तो एवरेज का फॉर्मूला जैसा कि बोला था अभी वी एवरेज इक्वल टू तो कितना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन यही होगा फॉर्मुला एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन यहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन बट उससे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि यहां से देखा जाए कि ऑब्जेक्ट हमारे पास स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या नहीं आ रहा है अगर यहां वेलोसिटी 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 का क्वेश्चन क्वेश्चन होता होता ये में 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 तो कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है में नहीं थी बट स्पीड में हमें चीज देखनी होगी कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कहीं वो रेस्ट में तो नहीं आ रहा जो आपके पास टाइम इंटरवल की हो ना उस टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग में बात करें कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो नहीं है या कोई बैंड तो नहीं आ रहा बैक तो नहीं आ रहा वापस ठीक है देखते हैं कैसे पहले हम पता करें टी इज गोल टू वन सेकंड टी इज गोल टू वन सेकंड पर ऑब्जेक्ट की पोजिशन कहां है टी इज गोल टू वन सेकंड पर टी का वैल्यू वन पुट कीजिए बेटा तो एक्स वन का वैल्यू कितना बेटा का वैल्यू वन पुट कीजिए टू माइनस एट टू माइनस एट प्लस फाइव दैट मीन्स सेवन माइनस एट कितना आ रहा माइनस वन उसकी पोजिशन कहां पर है बेटा माइनस वन मीटर पर ठीक है यहां मान लीजिए यहां मेरे पास माइनस वन मीटर पर मान लीजिए माइनस वन यहां पर था वो सेकेंड अब बात की जाए टी इज गोल्ड कितने पर सेकेंड की बात करें तो टी इज गोड थ्री सेकंड पुट कीजिए बेटा थ्री थ्री या नाइन टू इंटू नाइन माइनस एट इंटू थ्री प्लस फाइव एटीन माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फाइव कितना हुआ एटीन फाइव ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर अगेन माइनस वन कितना आ रहा है बेटा अगेन माइनस वन यहीं पर है यानी कि हम बात करें t इज टू एक्स वन थ्री वन सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कहां पर था टू माइनस एट प्लस फाइव सेवन माइनस एट यानी माइनस वन मीटर पर और अभी हम बात करें x t इज टू थ्री सेकंड के वैल्यू पुट किया थ्री थ्री हजार नाइन टूर एटीन माइनस एट थ्री हजार ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ठीक है ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर अभी माइनस वन है मतलब जहां ऑब्जेक्ट था अभी भी वही है क्या बिल्कुल है सर अभी है इस इंटरवल में तो यही है इसका मतलब क्या हुआ क्या उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की क्या पोजिशन अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है सर वेरिएबल है एक्स तो टाइम के रेसेक में वेरिएबल है ना तो पोजिशन क्या होनी चाहिए चेंज होनी चाहिए सर पोजिशन चेंज हो रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस दो ट्रेवल की है ठीक है यहां ये कंफ्यूजन होता है आप अगर यहां से राइट पुट कर दोगे कितना माइनस वन माइनस माइनस वन आंसर कितना है का जीरो, जीरो इंटरवल में तो एवरेज स्पीड कितनी थी? जीरो।, जीरो नहीं है इस इंटरवल में एवरेज स्पीड नहीं होगी तो सर कितनी होगी वो देखते हैं आप देखो तो एक्स वन मेरे पास की वन है अब मुझे पता करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव में जाके आया है या नेगेटिव में जाके आया है कहीं ना कहीं से तो ऑब्जेक्ट गए भाई यहां से मैं वो कर रहा था ये तो पॉजिटिव में जा रहा था या नेगेटिव में जा रहा था कहीं भी गया हो कहीं भी गया हो उससे हमें मतलब नहीं है हमें देखना है कहीं ना कहीं इस इंटरवल में ऑब्जेक्ट कहीं रेस्ट में तो नहीं आया भाई यहां से मूव कर रहा है वापस यहीं आ गया इसका मतलब ये तो कंफर्म हुआ ये तो कंफर्म हुआ ना कि ऑब्जेक्ट कहीं ना बैंड करके वापस आया ठीक है रिटर्न हुआ है कहीं ना कहीं से जिस डायरेक्शन में जा रहा था मान लीजिए माइनस एक्स में जा रहा था रिटर्न होकर पॉजिटिव में वापस आ गया या पॉजिटिव में जा रहा था रिटर्न माइनस एक्स में आ गया है तभी तो उसी पोजिशन को वापस गेन कर सकता है अरे भाई यहां मेरे पास ध्यान समझने की कोशिश करना बेटा इसको यहां से आप स्टार्ट हुए मान लीजिए ठीक है आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है सपोज कीजिए वापस तीस गो टू तो थ्री सेकंड पर यहां पर अप्रोच कब करोगे आप जब यहां से आप बेंड करके वापस आओगे रिटर्न होंगे तभी तो ऐसा होगा या मान लीजिए आप पहले कितने जा रहे थे नेगेटिव एक्स में जा रहे थे तो वापस इसी पोजीशन को वापस रिटर्न कब करोगे जब सब बैंड होकर के वापस आऊंगा मैं ऐसा ही पॉसिबल है चलिए तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि कोई ना कोई पार्टिकल जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट जो है कौन से पॉइंट पर या कौन से टाइम पर हम बात करें वो बैंड हो रहा है या कौन सी पोजिशन पर वो रिटर्न हो रहा है ठीक है इससे पहले हमने एक टॉपिक बोला था हमने कहा कि में एक चीज बेसिकली फिक्स कर लेना बट कह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो जिस पॉइंट पर वो बैंड करता है फिक्स कर लो ये चीज बहुत काम आएगी आगे जिस पॉइंट पर बैंड करता है अदरवाइज हम बात करेंगे रिटर्न होता है उस पॉइंट पर या रेस्ट बाद में आता है उस पॉइंट पर उसका स्पीड वेलोसिटी या स्पीड कितना होता है जीरो होता है ठीक है चलिए तो स्पीड का इंस्टेंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है वेरिएबल स्पीड का ये रहा सर 40 8. 40 8. देखते हैं स्पीड जीरो तो नहीं हो रही चेक कीजिए माइनस एट इज टू जीरो करके देखिए बेटा कितने पर आ रहा है तो यहां से देखा के बेटा तो फोर टी इज टू कितना रहा? 8. T का वेल्यू एट बाई फोर टू सेकेंड हा सर टी इज टू टू सेकेंड पर स्पीड कितनी आ रही है जीरो आ रही देखो स्पीड को जीरो किया है हमने कितने पर टीज गोल टू टू सेकेंड पर तो इसका मतलब टीज गोल टू टू सेकेंड पर हमें पता करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहां पर था तो देखिए टीज गोल टू सेकंड क्या ऐसा ऐसा क्यों करना पड़ रहा है बिकॉज ये टू सेकंड जो इंटरवल है या टू सेकेंड जो टाइम है इस इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा है वन टू थ्री सेकंड के इंटरवल में आ रहा है ना तो कंफ्यूजन है तो दिक्कत होती है हाँ अगर ये टू नंबर पर कितना होता है पॉइंट फाइव सेकेंड होता थ्री पॉइंट फाइव या थ्री से अब कोई भी वैल्यू मान लीजिए वो टाइम इंटरवल होता तो हमें यह दिक्कत ही नहीं थी तो एक चीज ये दान कि ये जो हमारे पास स्पीड जो जीरो आ रही है उस इंटरवल में तो नहीं है जिस इंटरवल में आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है ठीक है चलिए यहां से देखिए तो पता करते हैं एक्स की जो वैल्यू होगी डैश कितने पर टीवल टू टू सेकेंड पर टू टू जै फोर टू इंटू फोर माइनस ए टू जे सिक्सटीन माइनस प्लस फाइव एट माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव थर्टीन माइनस सिक्सटीन डेट मीन माइनस थ्री यानी कि यहां बात करेंगे एक्स इक्वल टू वन सेकंड पर टी इक्वल टू वन सेकेंड पर पोजिशन कितनी है माइनस वन पर है ठीक है टी इक्वल टू वन सेकंड पर टी इक्वल टू टू सेकेंड पर कितने पर है माइनस थ्री पर है टी इज टू टू सेकंड पर और इज इक्ल टू थ्री सेकंड पर अगेन कितने पर है माइनस वन पर है तो यानी ऑब्जेक्ट यहां से कौन से पॉइंट से देखिए ऑब्जेक्ट जो है t इज इल टू टू सेकंड पर यानी माइनस थ्री सेकंड से थ्री मीटर से रिटर्न हो गया ऐसे आया ठीक है अब बताइए यहां से आता का डिस्टेंस कितना बेटा माइनस वन से माइनस थ्री का डिस्टेंस सर टू मीटर नेगेटिव नहीं लेना फिर नेगेटिव में यूज नहीं करना है. है कितना मीटर हुआ टू मीटर तो टू मीटर जाने का हुआ टू मीटर वापस आने का भी तो हुआ ठीक है टू मीटर जाने में लगा और टू मीटर आने में हुआ टोटल एक्सट्रेंथ कितना हुआ फोर मीटर तो एक्स सॉरी जो यहां वेलोसिटी जो होगी एवरेज वेलोसिटी वो कितनी होगी फोर मीटर बाय कितना टाइम इंटरवल वन टू थ्री का टू सेकेंड आंसर आ गया टू मीटर पर सेकेंड ठीक है क्लियर हो गया तक तो वेरिएबल स्पीड से भी दो टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं हमारे हमारे पास 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 है है एक में तो आपके गिवन होगा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में पता चल रहा होगा सेकेंड हमारे पास है कि हमें ये कम देखना होता है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहीं भी इंटरवल में ये एवरेज नहीं होगा इंस्टेंट में नहीं होता ऐसा इंस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है इंस्टेंट में डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट करो और आप वैल्यू पुट कीजिए ठीक है बट एवरेज में हमें ये देखना होगा कि जो टाइम इंटरवल आपको गिवन है उस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कहीं रेस्ट में तो नहीं आ रहा या कहीं से रिटर्न तो नहीं हो रहा बिकॉज जहां रिटर्न हो रहा है क्लियर यहां तक चलिए फटाफट स्क्रीन छोड़ लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर ठीक है ओके डन चलिए नेक्स्ट देखिए वेरिएबल स्पीड पर कैसे क्वेश्चन आता है वो भी देखिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखें ज्यादा क्लियर होगा देखिए बेटा एक वेरिएबल पर क्वेश्चन हमारे पास आता है एफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए इज गिवन v इक्वल टू टू टी प्लस फाइव मीटर पर सेकेंड 2t टी प्लस फाइव मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ गिवन और t क्या है सेकेंड में है देन फाइंड आउट फर्स्ट स्पीड एट टी इज़ इजल टू टू सेकेंड सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टी इज़ इजग्वल टू वन सेकेंड टू जीरो मान लीजिए जीरो सेकेंड टू थ्री सेकेंड ड एवरेज स्पीड बिटवीन अगेन टी इज जीरो सेकेंड टू थ्री सेकेंड ऐसा कुछ गिवन है ठीक है अब तक हमारे पास क्या था वेरिएबल क्या था बेटा हमारे पास वेरिएबल हमारे पास डिस्टेंस पोजिशन गिवन थी हमारे पास जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रही थी वेरी कर रही थी तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे डिस्टेंस निकाल सॉरी स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज भी निकाला था हमने और इंस्टेंट भी निकाला था अभी हमारे पास क्या गिवन है स्पीड गिवन है क्या ग्यूवन बेटा स्पीड गिवन है और हमें अगेन डिफरेंट वे पोजिशन क्या निकालनी है उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड कैलकुलेट करनी है क्लियर हमें अगेन क्या करना है इंस्टेंट एंड एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है डिफरेंट पॉइंट्स पर चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट तो हमारे पास क्या है बिकॉज यहां जो वी गिवन है वो क्या होता है भाई डी एस वाई डी टी और डीएक्स वाई डी टी इंस्टेंट गिवन है टू टी प्लस फाइव टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है मीटर पर सेकेंड टाइम डिपेंडेंट फंक्शन गिवन है बिल्कुल सर गिवन है वी इज टू डी एस वाई डी टी इज टू कितना है टू तो टी प्लस फाइव ऑलरेडी गीवन है नाव हमें क्या कैलकुलेट करना है स्पीड एट टी इज टू टू सेकेंड स्पीड एट टी इज एटीजल टू टू सेकेंड क्या स्पीड टाइम का फंक्शन है हाँ सर है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहां से टीका वाले कितना पुट कीजिए बेटा टू सेकंड पुट कीजिए चलिए टीका वाले कितना पुट करते हैं टू सेकंड पुट करते हैं <coughs> टी इजल टू टू सेकेंड कितना होगा वी इज टू 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 जा फोर प्लस फाइव यानी कितना हो गया नाइन मीटर पर सेकेंड दैट मींस हम बात करें टी इज टू टू सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था नाइन मीटर पर सेकेंड से ठीक है ऑब्जेक्ट नाइन मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ऐसी टीका वोली और कोई भी पुट कीजिए टू सेकंड फोर सेकंड थ्री सेकंड नाइन सेकंड किसी भी टाइम पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सा कर सकते हैं Now, अब क्वेश्चन क्या गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू आप कैसे करेंगे अब तक तो हमें क्या गिवन था डिस्टेंस गिवन था यानी पोजीशन गिवन था हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे अभी हमें क्या करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है किस इंटरवल में जीरो टू थ्री सेकंड के इंटरवल में तो देखिए जैसा कि हमने कहा बिकॉज फॉर्मूला क्या है v इज टू डी एस वाई डी टी मेरे पास वेलोसिटी स्पीड गिवन है टाइम गिवन है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है क्या डी एस इज गी डी टी डी एस इक्वल टू कितना है वीडीटी गिवन है ठीक है तो यहां से क्या करेंगे ये तो एलिमेंट हो गया डिस्टेंस ये एलिमेंट टाइम इंटरवल के लिए मुझे टोटल कैलकुलेट करना है कौन से इंटरवल के लिए जीरो टू थ्री सेकंड के लिए तो यहां जब एलिमेंट आपको गिवन हो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करते हैं हम इंट्रीगेशन यूज करते हैं क्या करते हैं इंट्रीगेशन यूज करते हैं ये इंट्रीगेशन यूज किया हमने बहुत सारे इंट्रीगेशन कर दो अब देखिए इंट्रीगेशन में स्टार्टिंग टाइम कितना है यहां तो करना टी के रसक में यहां करना है डिस्टेंस के रसक में टाइम की बात करें जीरो सेकंड पर जीरो सेकंड पर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था डिस्टेंस कितना तो कैलकुलेट किया मैंने जीरो मान लिया और कितने सेकंड पर थ्री सेकंड पर मान लीजिए उसने कितना ट्रेवल कर लिया एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो हमें कैलकुलेट करनी है भाई यहां से जीरो पर तो जीरो था और थ्री सेकंड पर कितना आ गया एस डिस्टेंस तो देखिए हा बेटा डीएस का इंट्रिकेशन तो क्या होगा एस लोअर लिमिट कितना है जीरो अपर लिमिट कितना है एस वी का वैल्यू कितना है सर टू टी प्लस फाइव डी टी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो तो देखिए लिमिट कैसे पुट करते हैं इनिशियली अपर लिमिट यूज करते हैं एस को रिप्लेस कर देंगे एस से फिर नेगेटिव के साथ लोअर लिमिट यूज करते हैं ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट फिर नेगेटिव के साथ लोअर लिमिट तो कितना जाएगा एस को रिप्लेस करेंगे हम एस से माइनस जीरो भाई पहले अपर लिमिट यूज किया एस को रिप्लेस किया अपर लिमिट से फिर एस को रिप्लेस करेंगे किससे लोअर लिमिट से इक्वल टू और ऐसे हमने बोला था इंटीग्रेशन करते हैं कैसे भाई डिफरेंशिएशन में क्या होती है पावर मल्टीप्लाई में आती है और एक पावर सब हो जाती है ठीक है यह एक पावर लेस हो जाती है यहां उल्टा है पावर को एड करना है और वो पावर मल्टीप्लाई में नहीं आएगी वो पावर डिवाइड में आती है ठीक है चलिए जैसा कि हमने पहले ही कहा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट प्रोसेस में है तो देखिए यहां पावर कितनी है वन तो इसका डिफरेंस कितना होगा टू टी टू पावर वन प्लस वन कितना टू में टू फिर प्लस फाइव का कितना हो जाएगा फाइव टी यहां करेंगे हम लिमिट पुट करेंगे जीरो टू थ्री सेकेंड देखिए एस इज कैंसिल आउट हो गया टी स्क्वायर प्लस फाइव टी जीरो टू थ्री सेकेंड ठीक है अब लिमिट कैसे पुट करेंगे टी को रिप्लेस कर दो पहले अपर लिमिट से थ्री थ्री जा नाइन माइनस फाइव थ्री जा सॉरी प्लस फिफ्टीन चलिए माइनस अब टी को रिप्लेस कर दो किससे लोअर लिमिट से जीरो ये भी जीरो कितना हो बेटा ट्वेंटी फोर ठीक है तो कितना मीटर हो गया एस इक्वल टू ट्वेंटी फोर मीटर कितना बेटा एस इक्वल टू ट्वेंटी फोर मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने विद इन जीरो टू थ्री सेकेंड अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी आ गया नाउ एवरेज स्पीड बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड टू थ्री सेकंड अब इसी इंटरवल में हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करनी है क्या एवरेज स्पीड क्या होती है फॉर्मूला सर वी एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास थर्ड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस कितना बेटा पास ट्वेंटी फोर अभी अभी कैलकुलेट किया है जीरो टू थ्री सेकंड के लिए किया है कितना है ट्वेंटी फोर और टोटल टाइम कितना है थ्री सेकेंड स्पीड दे रखिए सर एट मीटर पर सेकेंड कितना हुआ एट मीटर पर सेकेंड क्लियर यहां तक तो इस टाइप से अगर आपके पास स्पीड अगर वेरिएबल स्पीड गिवन हो तो भी आप इंस्टेंट और एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो और अगर आपके पास पोजीशन भी वेरिएबल गिवन हो तो भी आप इंस्टेंट एंड एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो क्लियर यहां तक चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब एवरेज जो हमारे पास स्पीड आती है और कितने क्वेश्चन है किस टाइप के क्वेश्चन जो है एवरेज स्पीड पर बन सकते हैं वो देखिए नेक्स्ट फटाफट स्क्रीन छोड़ लीजिए बेटा इसका ओके चलिए नेक्स्ट देखें एवरेज स्पीड की बात करते देखिए अच्छा एवरेज स्पीड जैसा कि हमने पहले बोला कि एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की बात कर रहे हैं यहां तो देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल सपोज दैट कोई पार्टिकल हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट जो है ए टू बी मूव करता है ठीक है ये ट्रेवलिंग करता है हमारे पास है डिफरेंट इंटरवल्स के साथ ए टू सी सी टू डी एंड डी टू बी ऐसे वो डिफरेंट इंटरवल्स हैं क्लियर डिफरेंट इंटरवल के साथ हम बात करेंगे तो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सपोज दैट यहाँ मान लीजिए फर्स्ट इंटरवल जो होगा उसका टाइम कितना है टी वन टाइम है और कितना डिस्टेंस एस वन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेकेंड हमारे पास है सी टू डी ये टाइम हमारे पास कितना है टी टू और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर एस टू थर्ड मान लीजिए कितना टाइम है बेटा टी थ्री और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एस थ्री डिफरेंट डिफरेंट हम बात करें टाइम इंटरवल में और डिफरेंट स्पीड सॉरी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट इंटरवल हमारे पास है टी वन टी टू टी थ्री सॉरी और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करें इनका जो डिस्टेंस है वो कितना एस वन एस टू एंड एस थ्री क्लियर अब यहां कई बार ऐसा होता है कि आपको डिस्टेंस ना गिवन करके या टाइम गिवन ना होकर के स्पीड गिवन होती है वी वन स्पीड है इस इंटरवल में इस इंटरवल में वी टू स्पीड है और इस इंटरवल में वी थ्री स्पीड है क्लियर यहां तक ठीक है अब यहां से पूछा जाता है हमारे पास है कि इन इंटरवल में बात की जाए तो इन इंटरवल्स में आपको एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिए एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड फॉर ए बी इंटरवल ठीक है अब बात कीजिए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अपॉन टाइम ठीक है देखिए कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका बहुत इंपोर्टेंट है हमारे पास कंसेप्ट है ये में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर तो टोटल बहुत इजी है वैसे कल ध्यान से देखना कंसेप्ट समझना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा पास एस वन एस टू एस थ्री अपॉन टाइम कितना टी वन प्लस टी थ्री हो गया मीटर पर सेकेंड मान लीजिए अगर मान तो हो, हो? में? में. तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड अगर ये मीटर में है, ये में गिवन है तो मीटर पर मिनट ये मि किलोमीटर में गिवन है ये आवर में तो एवरेज का फॉर्मूला हो गया एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अपॉन टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री यहां देखिए फॉर्मूला हमारे पास हो गया बेसिक क्वेश्चन आएगा यहां से क्वेश्चन घुमाना चालू करता है यहां देखिए हमारे पास अगर आपको डिस्टेंस और डिफरेंट इंटरवल्स हमारे पास हैं उनमें डिस्टेंस एंड उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग आपको टाइम गिवन है तब तो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बट यहां स्पेशल केस क्या बनता है इफ इसको तो केस फर्स्ट मान लो क्या बेटा हमारे पास यहां जब डिस्टेंस गिवन हो टाइम गिवन हो सेकंड केस इफ स्पीड एंड टाइम आर गिवन मतलब हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है क्या गिवन है स्पीड गिवन है टाइम गिवन है डिस्टेंस डिस्टेंस गिवन नहीं है तो एस वन एस टू एस थ्री गिवन नहीं है स्पीड गिवन है तो देखिए यहां से तो यानी कि इस T1 इंटरवल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितनी स्पीड से V1 स्पीड से और जैसे नेक्स्ट इंटरवल आता है उस T2 इंटरवल में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है V2 से तो कोई दिक्कत नहीं सर इंडिविजुअल हमारे पास है स्पीड गिवन है टाइम गिवन है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं इस डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं भाई डिस्टेंस कोल्ड कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम क्या होगा स्पीड इंटू टाइम तो यहां से वी एवरेज कोल्ड कितना हो जाएगा एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री होता फार्मूला अपॉन टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री यहां जो एस वन है उसको रिप्लेस कर दूंगा वी वन टी वन प्लस एस टू रिप्लेस करेंगे वी टू टी टू और एस थ्री करेंगे वी थ्री टी थ्री से अपॉन टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ये फॉर्मूला हो गया ये फॉर्मूला कभी यूज करना है जब आपको क्या गिवन हो डिफरेंट इंटरवल में स्पीड गिवन हो और टाइम गिवन हो क्लियर अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है सपोज दैट इसी में स्पेशल केस लगा दिया इफ टाइम इंटरवल आर इक्वल और सेम मान लीजिए जो टाइम इंटरवल गिवन है वो इक्वल है क्या है इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं अब टाइम इंटरवल्स इक्वल है इसका मतलब टी वन इक्वल है टी टू के इक्वल है टी थ्री के फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू सेकंड के लिए चलता है टू मीटर पर सेकंड से और नेक्स्ट ही टू सेकंड के लिए चलता है फोर मीटर पर सेकंड से अगेन नेक्स्ट टू मीटर टू सेकंड के लिए चलता है टेन मीटर पर सेकंड से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में बट टाइम इक्वल है, है। स्पीड उनकी डिफरेंट है बट टाइम क्या है इक्वल है तो क्या करेंगे यहां से इसको टी कंसिडर कर लो ले। लेट टी वन इज टी टू इज टू टी थ्री इज टू टी कंसिडर किया तो ऊपर हम बात करें वी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाय थ्री इंटरवल्स के लिए थ्री आ रहा है हमारे पास है ऐसे ही एन इंटरवल्स गिवन होते तो सर एन इंटरवल्स गिवन है तो क्या हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस सो वी एन एन से डिवाइड कर दो बस बट इसका कंडीशन कब होगी जब हमारे पास क्या होगा टाइम इंटरवल्स क्या होंगे इक्वल होंगे क्लियर चलिए नाउ सेकेंड सॉरी थर्ड केस देखिए फर्स्ट केस में स्पीड डिस्टेंस और टाइम गिवन था सेकंड केस में स्पीड एंड टाइम गिवन है थर्ड केस में बात करें स्पीड एंड डिस्टेंस आर गिवन ठीक है अब क्या करोगे so ये टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बिकॉज भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को रिप्लेस कर दें किससे डिस्टेंस बाय स्पीड से, से. देखिए कैसे वी एवरेज इक्वल टू कितना होगा फॉर्मूला एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अपॉन में टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री की बात करें तो क्या होगा एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अपॉन एस वन अपॉन में टी वन सॉरी एस वन अपॉन वी वन प्लस एस टू बाई वी टू प्लस एस थ्री बाय थ्री क्लियर ठीक है अरे भाई टी को रिप्लेस कर दिया किसी एस एपी से तो इंडिविजुअल हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करें ये इंटरवल्स के लिए टी वन का वैल्यू कितना होगा एस वन अपन वी वन टी टू का वैल्यू एस टू बाई वी टू टी थ्री का वैल्यू एस थ्री बाय थ्री यहां से देखिए हमारे पास तो ये फॉर्मूला बन करके आ गया हमारे पास ये कब है जब आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो अच्छा यहां भी एक केस लगा सकते हैं सपोज दैट कि हमारे पास है डिस्टेंस आर इक्वल इफ डिस्टेंस आर इक्वल सारे डिस्टेंस इक्वल है तो क्या करेंगे तो यहां से वी एवरेज का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वन बाय वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाय थ्री वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन वी थ्री ठीक है सर ऐसे ही अगर एन सेगमेंट से गिवन हो तो वन बाई वी एवरेज इक्वल टू कितना वन बाई एन वन अपॉन वी, वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन इस टाइप से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट नंबर पास ये तीन फॉर्मूले हो गए कि वी एवरेज का टोटल स्टेंस अपॉन टोटल टाइम एस वन एस टू तो, एस थ्री तो, अपॉन जरूरी तीन इंटरवल बैठा यहां इंटरवल्स मे बी ज़्यादा भी हो सकते हमारे पास यहां देखिए मोर देन थ्री और लेस देन थ्री थ्री से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकते हमने एग्जाम्पल लिया थ्री के लिए ठीक है ना सेकेंड हमारे पास है स्पीड और क्या गिवन हो टाइम गिवन हो थर्ड केस में स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन हो क्लियर वीडियोज आज की लंबी बहुत लंबी हो रही है तो ये इसलिए बेटर है इसको यही रोकते हैं हम आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो लर्न करने हैं कल की क्लास में कल की क्लास में मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो तभी पॉसिबल होंगे आपको तभी समझ में आएंगे बेटा जब आपको ये फॉर्मुलेज लर्न होंगे ठीक है तो आज इस वीडियो को रिवाइज करें वापस फिर ये फॉर्मुलेज क्या करें लर्न करें क्लियर जानता तक और किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं ठीक है कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हो क्लियर हो सके बेटा फिर कह रहा हूं यहां लूज नहीं रहना है ये आपको अब रेगुलर करना है क्योंकि ये क्लियर होगा तो ही आगे वाले टॉपिक्स होंगे वो समझ में आएंगे ठीक है बिल्कुल ईजी नहीं रहना है कंटिन्यू आपको स्टेप्स के साथ टॉपिक्स के साथ या नोट्स की बात करें नोट्स प्रिपेयर करते रहना है आपको ठीक है जहाँ भी डाउट आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लियर हुआ आज के लिए इतना ही बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे थैंक यू बेटा